मोदी का गुजरात फॉर्मूला क्या वाकई काम कर गया? 14 साल वो वहां पे सीएम बतौर सीएम रहे और काफी काम भी उन्होंने किया, और इसी बेस पे उनका वोट बैंक भी था कि पूरे भारत में काम करना चाहते हैं। लोगों की जो सोच अब हम देख रहे हैं कि जिस तरफ सेकुलर सोच से हट के अब वो शख्सी जो सियासत है उस पर गालिब आ गई है, वो सेकुलर पे, आप समझते हैं ऐसा है? तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मेरी असेसमेंट हुई यहां पर रहते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए और स्पेशली मीडिया देखते हुए। एक तो जो गुजरात मॉडल आपने कहा वो एक सिंबल बन गया नरेंद्र मोदी के, एज अ पर्सन हु बिलीव इन डेवलपमेंट, हु बिलीव इन गुड गवर्नेंस। 14 साल में कोई करप्शन चार्जेस उनके बारे में नहीं आए, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी की जात पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं आए बल्कि जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो करप्शन के बारे में नीट एंड क्लीन रहे। तो एक ये एक सिंबल बना जिसकी वजह से कॉरपोरेट सेक्टर ने उनको फुल्ली सपोर्ट किया, फुल्ली एंडोर्स किया, फंड किया, जो भी आप कह लें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस को मोदी का गुजरात फॉर्मूला क्या वाकई काम कर गया? 14 साल वो वहां पे सीएम बतौर सीएम रहे और काफी काम भी उन्होंने किया, और इसी बेस पे उनका वोट बैंक भी था कि पूरे भारत में काम करना चाहते हैं। लोगों की जो सोच अब हम देख रहे हैं कि जिस तरफ सेकुलर सोच से हट के अब वो शख्सी जो सियासत है उस पर गालिब आ गई है, वो सेकुलर पे, आप समझते हैं ऐसा है? तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मेरी असेसमेंट हुई यहां पर रहते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए और स्पेशली मीडिया देखते हुए। एक तो जो गुजरात मॉडल आपने कहा वो एक सिंबल बन गया नरेंद्र मोदी के, एज अ पर्सन हु बिलीव इन डेवलपमेंट, हु बिलीव इन गुड गवर्नेंस। 14 साल में कोई करप्शन चार्जेस उनके बारे में नहीं आए, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी की जात पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं आए बल्कि जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो करप्शन के बारे में नीट एंड क्लीन रहे। तो एक ये एक सिंबल बना जिसकी वजह से कॉरपोरेट सेक्टर ने उनको फुल्ली सपोर्ट किया, फुल्ली एंडोर्स किया, फंड किया, जो भी आप कह लें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस को सिर्फ एक पर और आपको बड़ी खबर दे दें, सूरत में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी 10 और कांग्रेस इस समय 4 सीटों पर आगे चल रही है। सूरत में मैं यही कह रहा था कि सूरत का प्रदर्शन अच्छा रह रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहां पर शहरी इलाका है, पिछली बार एक सीट सूरत में जीती थी और देखिए इस बार अच्छा कर रही है। तो जीएसटी का असर सूरत में दिखा कारोबारियों पर? जीएसटी का असर है, नोटबंदी का असर है और सबसे ज्यादा पाटीदार अनामत आंदोलन का असर है इसमें, ये दिख रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 6 धारा सभ्यों जो सीटिंग थे उनको बदलना पड़ा था। 10 पर बीजेपी आगे सूरत में, 4 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और पिछली बार कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ एक सीट जीती थी संगीता सूरत में। जी हाँ, मैंने सूरत का सामने में खोला हुआ है अपने और यहाँ पे लगातार मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है जो नज़र आ रहा है। आंकड़ों को देखने में थोड़ा वक्त लगेगा नेहा। 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 2012 में विजय सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने जीती थी। और यही यहाँ पाटीदारों की बड़ी बड़ी रैलियां हुई, हार्दिक पटेल ने भी रैलियां की यहाँ, जीएसटी से लेकर जो व्यापारियों का कहीं गुस्सा था कहीं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामने आ रहा है। इसी यही वजह है कि सूरत जो शहरी इलाका है वहाँ पर कांग्रेस को कुछ इलाकों में बढ़त मिल रही है। वैसे मैं वहां गया था तो लोग कह रहे थे कि 6 सीटों में कांग्रेस। बड़ी जानकारी आ रही है, चलते हैं चित्रा के पास। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में रुझानों में बीजेपी अपनी बड़ी बढ़त लगातार बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश में जहां पर उसको बहुमत मिलता हुआ रुझानों के हिसाब से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 35 सीटें चाहिए, 38 पर बीजेपी लगातार वहां पर आगे बढ़ती हुई, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे। तो वहीं गुजरात की बात करें तो बहुमत के लिए बीजेपी को 3 सीटें गुजरात में और चाहिए, बहुमत के लिए बीजेपी को 3 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे कड़ी टक्कर इस वक्त गुजरात में दे रही है। देखिए 89 पर बीजेपी तो 81 पर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कर आगे बढ़ती हुई, और इस वक्त की बड़ी खबर 90 पर बीजेपी आगे हो गई है। बहुमत के लिए बीजेपी को 2 सीटें और चाहिए और 9 सीटों का फासला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, 9 सीटें बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह का दावा बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा था। और यहां पर जो बड़ी जानकारी एक बार फिर से दे दे, बीजेपी 91 पर आगे चल रही है, 91 पर बीजेपी आगे, 93 पर बीजेपी आगे, जो इस वक्त की बड़ी जानकारी सी वोटर के जरिए सामने आ रही है, यानी कि बहुमत यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ 82 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी पीछे चलती हुई। तो इस वक्त की जो तुरंत के आंकड़े हैं, और देखिए आंकड़े पल पल बदल रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, बीजेपी इस वक्त 95 पर अपनी बड़ी बढ़त के साथ बहुमत में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 95 तो कांग्रेस पार्टी 82 से, और देखिए फिर से बदल गया, बीजेपी 96 कांग्रेस पार्टी 82, बीजेपी 96 कांग्रेस पार्टी 82, 181 के आंकड़े सामने आ चुके हैं, 81 के आंकड़ों में से बीजेपी इस वक्त 96 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 82 सीटों पर आगे बढ़ रही है। 9:32 इस वक्त हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर
डेढ़ घंटे से लगातार काउंटिंग जारी है मतगणना में, जो अब तक की तस्वीर उभरी है 181 में से 96 पर इस वक्त बीजेपी आगे, जबकि 82 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि 96 सीटों पर अगर हम नजर डालें तो रुझानों में बीजेपी ने बना ली है अपनी सरकार। गुजरात में बीजेपी को फिर से रुझानों में बहुमत मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से